मेरे पास टाइम नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए, मेरे पास टाइम नहीं है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने के लिए, ऐसा लोग आपसे भी बोलते होंगे। ये दिक्कतें आपको भी आ रही होंगी। लोग ऐसा बोलते हैं, मेरे पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। तो आज किस वीडियो में बताएंगे आप लोगों को, जब प्लान दिखाने जाएं तो उनको इस टाइम के अकॉर्डिंग, ये वीडियो देखने के बाद आपको पता लग जाएगा, ये टाइम की जो बात आती है, टाइम नहीं है लोगों के पास, तो उनको ये कैसे एक्सप्लेन करके बता सकते हैं कि आपके पास टाइम है। हर किसी के पास 24 घंटे दिए हैं, जी हाँ, हर किसी के पास 24 घंटे हैं, इससे ज्यादा किसी के पास नहीं है। जो आज जो सफल व्यक्ति हैं उनके पास 24 घंटे थे, हैं, और आपके पास भी 24 घंटे ही हैं। तो ये सब बहानेबाज हैं या वाकई में इनके पास टाइम नहीं है? जो लोग ऐसा बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तो बने रहिए वीडियो में। आज की इस वीडियो में इन्हीं सारी चीजों पे बात करेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल सके, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। हाय, मैं सम्राट राजेश साक्या आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में कवर करेंगे टाइम सिस्टम को, यानी कि जो टाइम है 24 घंटे लोगों के पास हैं, तो इन 24 घंटे में से अगर वो दिन के 1 से 2 3 4 घंटे तक का टाइम अगर वो देते हैं, तो बहुत बड़ा यहाँ पे एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, बहुत बड़ी अर्निंग कर सकते हैं, अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो 24 घंटे की कैलकुलेशन इस वीडियो में जानेंगे, क्या है कैलकुलेशन, उनको आप डिफाइन करके बता सकते हैं कि आपके पास 4 घंटे फिर भी बचते हैं। अगर कोई जॉब पर्सन है फिर भी उसके पास 4 घंटे बचेंगे, 4 घंटे नहीं तो 2 घंटे, तो मान के चलिए 2 घंटे उसके पास बचेंगे। अगर कोई व्यक्ति जॉब करता है, कोई स्टूडेंट है वो स्टडी कर रहा है, अगर आप उसको प्लान देते हैं तो वो भी इस सिस्टम को समझ पाएगा, कर पाएगा, नेटवर्किंग को समझ पाएगा कि मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम जो है बचा हुआ 2 से 3 घंटे 4 घंटे, उसमें मैं कर सकता हूँ। तो 24 घंटे में ये 4 घंटे कैसे उनको बताएं कि वो समझ पाए कि मेरे पास भी 2 4 घंटे जो बचते हैं एक्स्ट्रा टाइम में, मैं व्हाट्सएप, यूट्यूब, चैटिंग न करके ये सिस्टम को समझता हूँ, तो यहाँ पे बहुत बड़ा मैं अपना फ्यूचर बना सकता हूँ। तो ये 24 घंटे की कैलकुलेशन उनको बताएं, तो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखेंगे, एक यहाँ पे स्लाइड शो होगी, उस स्लाइड में आप देखेंगे 24 घंटे हर व्यक्ति के पास है। तो कोई व्यक्ति जब जॉब करने जाता है, जॉब करता है, तो वो 8 घंटे जॉब करता है, मान के चलिए 8 घंटे जॉब करता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और 8 घंटे वो नींद लेता है, यानी कि सोता होगा 6 से 8 घंटे, फिर भी उसके पास अभी टाइम है। ये 8 घंटे जॉब करता है, 8 घंटे अच्छी नींद लेता है, यानी कि 16 घंटे हुए। अब 4 घंटे जो हैं वो फैमिली के जरूरी कामों में आप दे सकते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और भी जो काम फैमिली के होते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद में ये 4 घंटे बचे, इन 4 घंटे में आप क्या करते हैं? अगर वहीं कोई स्टूडेंट है तो वो जॉब नहीं करता होगा, अपनी पढ़ाई करता होगा, तो उसकी 8 घंटे पढ़ाई चलती हुई, 8 घंटे वो पढ़ाई करता है, और 8 घंटे वो अच्छी नींद लेता है, और 4 घंटे फैमिली की जरूरी कामों में बिताता है, फिर भी उसके पास ये 4 घंटे बचते हैं। मान के चलिए अगर हम 4 भी घंटे काम करते हैं रोज के, तो बहुत बड़ा यहाँ पे आप एम्पायर खड़ा कर पाएंगे, बहुत सारी चीजें आप समझ पाएंगे, बिजनेस में आपकी लाइफ चेंज हो सकती है मात्र रोज के 4 घंटे देने से। जी हाँ, अगर हम चार, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा 4 घंटे तो मेरे पास होते नहीं है, तो 4 घंटे में से भी अगर आप 2 घंटे भी पर डे के देते हैं इस सिस्टम को समझने के लिए और लोगों को समझाने के लिए, पहले सीखिए। लोग सीखते नहीं है क्योंकि इंडिया में ये सबसे बड़ी विडंबना रही है, लोग किसी भी चीज को सीखना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। और ये अगर फॉरेन की बात करें तो फॉरेन कंट्रीज में लोग सीखने पर ज़्यादा फोकस करते हैं, जब आप सीखोगे ही नहीं तो करोगे कैसे? तो ये डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग की आप जानकारी लें, सीखें। अगर कोई व्यक्ति आपके पास प्लान देने आता है तो उसके प्लान को समझें, जानें ये सिस्टम क्या है, कब से चल रहा है, इसको अगर मैं करता हूँ, समझता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप उन 4 घंटों में, 2 से 4 घंटों में सीख सकते हैं, समझ सकते हैं।
अगर आप कोई नेटवर्कर हैं, अगर आप एक नेटवर्कर हैं तो आपके साथ बहुत सारे क्वेश्चन आते होंगे, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जॉब करता हूँ या मैं स्टडी करता हूँ। तो स्टडी जो लोग करते हैं उनके लिए भी मैंने बता दी, उनके पास भी 2 से 4 घंटे हैं, और जो जॉब करता है उनके पास भी 2 से 4 घंटे हैं। जी हाँ, बहाने बनाने वाले तो बहाने बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहता है, अगर उसे कैलकुलेशन पता नहीं है कि ये वाकई में मेरे पास 2 से 4 घंटे बचते हैं, तो आप उन्हें डिफाइन करके बता सकते हैं। यानी कि टाइम हर किसी के पास है। जो भी सफल व्यक्ति है, जो सफल हुआ है, वो भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसने अपने टाइम को सही समय पर यूज करके और आज वो सफल है। यानी कि 24 घंटे सफल आदमी को भी मिले थे, जो सफल बना है, जो सफल व्यक्ति बना है, वो भी 24 घंटे में से ही सफलता की ओर बढ़ा है। 24 घंटे हर किसी को दिए हैं। मान के चलो अगर कोई कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप सिंपल सी भाषा में बता सकते हैं, 24 घंटे में आप उस चीज को नहीं समझ पाए तो आप 24 से अगर मैं 25 या 30 घंटे भी कर दूं तो भी नहीं कर पाओगे। फिर कहोगे 25 घंटे ही हैं, टाइम नहीं है, 26 घंटे ही हैं, टाइम नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति सच में उसका विजन क्लियर है कि मुझे सफल होना है किसी भी क्षेत्र में, तो उनको ये सारी कैलकुलेशन समझ में आ सकती है। तो आप ये बता सकते हैं उनको, क्योंकि बहानेबाज तो बहाने बनाएंगे ही, जिन्हें इस सिस्टम के बारे में जानकारी नहीं है, समझना नहीं चाहते, तो वो तो ये बहाने बनाएंगे ही बनाएंगे। तो ये पॉइंट उनको बता सकते हैं। 24 घंटे में से 8 घंटे आप अच्छी नींद लेते हैं, 6 से 8 घंटे अच्छी नींद लेते हैं, और 8 घंटे आप जॉब करते हैं अगर वो जॉब पर्सन है। अगर कोई स्टूडेंट है तो वो 8 घंटे अपनी पढ़ाई करता होगा, वो 8 घंटे में से वहीं अगर बात करें तो ये 16 घंटे हुए, और बचे आपके पास 8 घंटे। 8 घंटे में से 4 घंटे वो अपने फैमिली के जरूरी कामों में, अगर कोई स्टूडेंट है तो अपने फैमिली के जरूरी कामों में व्यतीत करता होगा, कोई जॉब पर्सन है वो भी अपनी फैमिली के कामों में 4 घंटे व्यतीत करता होगा, लेकिन फिर भी उसके पास 4 घंटे बचते हैं। अगर स्टूडेंट है, अगर फैमिली के जरूरी कामों में नहीं करता होगा, तो मान के चलिए वो ट्यूशन वगैरह की तैयारी करता होगा, कोई किसी प्रोफेशनल की तैयारी करता होगा, ट्यूशन वगैरह जाता होगा, फिर भी उसके पास 2 से 4 घंटे हैं। तो ये वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद था वो ये बताना था कि आपके पास भी 24 घंटे हैं, और जो व्यक्ति इस दुनिया में सफल है उसके पास भी 24 घंटे थे। सिर्फ टाइम की कैलकुलेशन और टाइम को मैनेज करने से ही आप एक सफल व्यक्ति नहीं बन सकते, उस टाइम को सही समय पे यूज करके आप सफल व्यक्ति बन सकते हैं। तो ये वीडियो का जो मोटिव था वो ये था कि लोग जो बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, तो हर किसी के पास टाइम है 2 से 4 घंटे, जो आप व्हाट्सअप, ट्विटर और चैट पर, यूट्यूब पर निकाल देते हो, वो एक्स्ट्रा टाइम जो आप बेकार की चीज़ों में निकाल देते हो, अगर वो आप इस इंडस्ट्री को देते हो तो बहुत बड़ी आपकी यहाँ पे जीत हो सकती है, बहुत बड़ा आप इस इंडस्ट्री में कर सकते हैं, अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, फैमिली सिक्योरिटी, गुड हेल्थ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल जाती हैं। जी हाँ, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इस वीडियो को सबसे पहले अपने व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा पर, जहाँ कहीं भी इस वीडियो को सेंड कर सकें, सेंड करें, अपने ग्रुप में इसे सेंड करें। जी हाँ, अगर आप MLM करते हैं, अगर कोई भी आप काम करते हैं, आप कहीं ना कहीं टीम वर्क करते हैं, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना है, ताकि उनको भी पता लग सके ये 24 घंटे में से 4 घंटे जो मैंने बताए, जो एक्स्ट्रा जो बच जाते हैं, उनमें लोग ट्विटर, फेसबुक ऐसी चीज़ें चलाते हैं, इन चीज़ों में अपना टाइम गवा देते हैं, तो वो टाइम बचा के आप इस इंडस्ट्री को देते हैं, तो बहुत अच्छा यहाँ पे आपका फ्यूचर डेवलप हो सकता है। तो बने रहिए आगे भी इस चैनल के साथ, मिलते किसी और ऐसी जानकारी के साथ, तब तक अपने और अपने फैमिली का ख्याल रखिए।